सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सौंपा ज्ञापन। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में गौवंश संरक्षक टीम के कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज के टीके उपलब्ध न होने के संबंध में CMS डॉक्टर पंकज माथुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि गौवंश संरक्षक के अध्यक्ष गणेश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज के टीके लगाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन CMS डॉक्टर पंकज माथुर को सौंपा। गौवंश संरक्षण के अध्यक्ष गणेश यादव ने बताया कि काफी समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज के टीके उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों व पशुओं को आवारा कुत्तों के काटने से एंटी रेबीज के टीके नहीं लग पा रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द एंटी रेबीज के टीके उपलब्ध कराए जाए। CMS डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि पिछले 4 दिनों से एंटी रेबीज के टीके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है। एंटी रेबीज के टीके देहरादून से सप्लाई दी जा रही है। जैसे ही टीके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होंगे तब मरीजों को लगा दिए जाएंगे। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। संरक्षण टीम के द्वारा यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं और आज हमने जो ज्ञापन दिया है, हॉस्पिटल में काफ़ी समय से एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, जिस कारणवश बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी को कुत्ता काट ले, किसी की गाय को कुत्ता काट ले, तो यहाँ पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब बोले हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा पता लगाया, वो भी कह रहे हैं यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, सब ऊपर से बंद है। तो आज हमने इसकी एक प्रतिलिपि यहाँ पे डॉक्टर साहब को दी गई है और एक प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एक उप जिला अधिकारी जी को दी गई है, जिलाधिकारी रुद्रपुर जी को, और एक हमने मुख्यमंत्री देहरादून प्रतिलिपि की, जल्दी जल्दी यहाँ पर एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएँ। क्योंकि कोई भी अचानक से दुर्घटना हो जाए, किसी तरह का कोई कुत्ता पागल किसी को काट ले, उसको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े, उससे पहले ही हम इस व्यवस्था को क्यों ना दुरुस्त करे जाएं। तो इस उपलक्ष्य में हमने एक आप यहाँ पे मुख्य अपने चिकित्सा अधिकारी बाजपुर जी को एक ज्ञापन दिया, माथुर पंकज माथुर जी को, कि इनके द्वारा ये सारा काम कराया जाए। बाकी हम प्रतिलिपि आगे समय समय पर भेजते रहेंगे। इंजेक्शन जो रेबीज के लिए होते हैं कि मात्र 4 दिन से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये रुद्रपुर से सप्लाई होते हैं, हमारे मिनी स्टोर से वहाँ भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि देहरादून से ये सब सप्लाई होती है। जैसे ही उपलब्ध होंगे लगा दीजिए, ये मात्र 4 दिन से।